यूपी में निकाय चुनाव को लेकर लगातार प्रचार प्रसार जारी है, जनसंपर्क किया जा रहा है। 11 मई को कानपुर में चुनाव है। लगातार अगर बात की जाए तो हमारे साथ वार्ड 70 के प्रत्याशी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। निर्दलीय प्रत्याशी हैं, क्या कुछ उनके मुद्दे रहेंगे, लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। अगर बात की जाए, सबसे बड़ा मुद्दा आपका क्या है? सबसे बड़ा मुद्दा हमारे यहाँ सीवर और पानी की है। दो टंकियाँ सरकार ने बनाई है, उसके बाद भी घर भर पानी नहीं है। हर घर में समरसेबल है, पानी की सबसे ज़्यादा समस्याएँ हैं। क्षेत्रीय जनता से बहुत प्यार मिल रहा है हमको। बस एक समस्या है यहाँ पर कर रही है और गुंजन बिहार में, सीवर लाइन की। जो पिछले 4-5 वर्षों से यहाँ निर्दलीय प्रत्याशी रहे हैं और सरकार का बीजेपी और मोदी की लहर होने के बाद भी इस वार्ड में कभी बीजेपी का पार्षद नहीं बन पाया है, जिस कारण से वहाँ कर रही और गुंजन बिहार क्षेत्र में पानी और सीवर की समस्या का निदान नहीं हो सका है। हम जनता से यही अपील करना चाहेंगे कि वोट बहुत कीमती होता है और वोट समझ के दें, जो आपकी समस्याओं का निदान कर सके, आपकी समस्याओं के लिए खड़ा हो सके, वोट उसको करें। रिस्पांस बढ़िया मिल रहा है। और जैसा कि हमारे जो प्रत्याशी हैं तो ये बहुत संघर्षशील हैं, आज यहाँ की जनता इनके साथ कदम से कदम मिला करके चल रही है और इनका बहुत बड़ा सहयोग है इस क्षेत्र से, और आगे चल करके अगर जीत सुनिश्चित है और काम भी करेंगे जी। सबसे बड़ा मुद्दा आपके वार्ड का क्या है? सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे सिर्फ गंदगी, नाली भराओ, जल भराओ, यही सबसे बड़ा मुद्दा है, जिससे बीमारियां फैल रही हैं वार्डों के अंदर। और हम लोग जिस प्रकार से इस वार्ड के अंदर संघर्ष कर रहे हैं, निश्चित तौर पे मुझे जनता प्यार दे रही है और मैं जीत के नगर निगम में पहुंचूंगा। लगातार जनसंपर्क किया जा रहा है, लगातार समर्थक भी मौजूद हैं। आपको बता दें कि लगातार समर्थकों का कहना है जो गंदगी का अंबार है लगातार, और जो लगातार सरकार के द्वारा जो वर्तमान पार्षद ने नहीं कराया उन कामों को कराया जाएगा, लगातार ये मुद्दे सामने आते हैं। 11 मई को चुनाव है, अब देखना होगा कि कौन मोती झील जाता है। लगातार जो जनसंपर्क किया जा रहा है, रिस्पॉन्स भी, जनता भी साथ है। अब देखना होगा कि इस बार की मोती झील वार्ड 70 से कौन जाता है। कैमरा पर्सन विरोन जोशी के साथ कानपुर से।